हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल सामग्री के क्रय हेतु आदेश दोस्तों जारी हो गया है। इसके साथ ही समस्त जनपदों में, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में धनराशि प्रेषित हो गई है। जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय हुए हेतु दोस्तों 10,000 रुपया आया हुआ है, वहीं प्राथमिक विद्यालयों में खेल सामग्री के क्रय हेतु 5,000 रुपये दोस्तों प्रेषित हुआ है। तो आते हैं दोस्तों पूरी की पूरी गाइडलाइंस और धनराशि का मद आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, ये लेटर है प्रेषक राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और सेवा में ये जारी हुआ है दोस्तों। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और दिनांक इसकी है 6 नवंबर 2019। विषय है स्पोर्ट्स अनुदान के अंतर्गत दिशा निर्देश एवं खेल सामग्री की सुझावात्मक सूची के प्रेषण के संबंध में। महोदय या महोदया, समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2019-20 एवं पीएबी अनुमोदन के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रति प्राथमिक विद्यालय ₹5,000 की दर से तथा प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए ₹10,000 की दर से स्पोर्ट्स हेतु धनराशि अनुमोदित की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश एवं राज्य स्तर पर विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों को समाहित करते हुए उक्त कार्यक्रम को जनपद स्तर पर निम्नवत दिशा निर्देश के अधीन क्रियान्वित किया जाना है। पहला दिशा निर्देश दोस्तों ये है कि विद्यालयवार खेल सामग्री की खरीद के लिए संलग्न सूची एवं विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध खेल के मैदान के अनुसार ही खेल की सामग्री खरीदी जाए। दूसरा बिंदु है वर्ष 2018-19, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये कि इससे पहले भी आपने खेल सामग्री खरीदी है और वो शैक्षिक सत्र आपका इससे पहले क्या था, इससे पहले आपका जो शैक्षिक सत्र था वो 2018-19 दोस्तों रहा है। तो 2018-19 में क्रय की गई सामग्री की उपयोगिता का आकलन करते हुए वर्ष 2019-20 में विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपने कोई सामान जो भी खेल के बच्चों के लिए खरीदे हैं उनकी यूटिलिटी क्या है उसको आप असेस कर लें। अब उन सामानों को अगर कुछ ख़राब हो गए हैं या अगर सही हालत में हैं दोस्तों तो उसको बिल्कुल मत लें। अब नए बच्चों की उपयोगिता के हिसाब से नए सामान को आप क्रय करें। वर्ष 2019-20 में विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019-20 में खेल सामग्री का आप चयन करें। खेल कूद सामग्री के चयन में स्थानीय स्तर पर खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों को बिल्कुल आप समाहित करें। जिन विद्यालयों के प्रांगण में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है इसके लिए उपयुक्त होगा कि ऐसे विद्यालय इंडोर गेम को ध्यान में रखकर ही खेल सामग्री का चयन करें जिससे सभी छात्र पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सके। कई कई ऐसे विद्यालय हैं दोस्तों, कई जगह तो ऐसे उत्तर प्रदेश में विद्यालय देखने को मिले जो एक कक्ष में ही चलते हैं तो खेल के मैदान तो वहाँ बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपको पैसा मिल रहा है 5,000 बच्चों के लिए, आप इंडोर गेम लीजिए और पूरे के पूरे बच्चों को आप इन्वॉल्व करिए। खेल सामग्री का चयन एवं क्रय विद्यालय स्तर पर होगा, संबंधित विद्यालय का हेडमास्टर हेड होगा, उसकी अध्यक्षता में चयन हेतु समिति का गठन गत वर्ष की भांति निम्नवत आप करेंगे। हेडमास्टर संबंधित विद्यालय का और एसएमसी का अध्यक्ष भी इस चयन समिति में दोस्तों होगा। पहला तो हेडमास्टर होगा, दूसरा विद्यालय प्रबंध समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, और दूसरा जो आप करेंगे एक जागरूक अभिभावक को लेंगे। एक तो चयन समिति जो क्रय समिति आपकी बनेगी उसमें दोस्तों आपके विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष रहेंगे, हेडमास्टर साहब रहेंगे और फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि आपका पहला बिंदु हेडमास्टर का है, दूसरा पॉइंट आपका अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति का है और तीसरा बिंदु आपका सामने है, उसमें दो जागरूक आप गार्जियन को क्या करेंगे, चयन समिति में दोस्तों शामिल करेंगे। दो गार्जियन को जो जागरूक हों, जो आपको सहयोग करते हों, उन्हें आप चयन समिति में शामिल करेंगे।
और ये गार्जियन भी जो होंगे वो सदस्य होंगे विद्यालय प्रबंध समिति के, ऐसे अभिभावक जिनके छात्रों की उपस्थिति या अधिगम स्तर अधिकतम हो। इसमें आप यही ध्यान रखेंगे कि ऐसे गार्जियन को लेंगे जिनके बच्चे तेज हों पढ़ने में और रेगुलर आते हों। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट जो आप रखेंगे, एक व्यायाम शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सदस्य रहेगा या अनुदेशक या सहायक अध्यापक। एक शिक्षक आपका ऐसा होना चाहिए, शिक्षक के रूप में योग्यताधारी है, हम कार्य कर रहे हैं अथवा प्राथमिकता के आधार पर उनको आप समिति में दोस्तों शामिल कर लें। ज़रूरी है कि एक आप जो है अपने सबॉर्डिनेट को भी शामिल करिए, उसके गाइडेंस के हिसाब से आप काम करिए। क्रय की गई खेल सामग्री के लिए संबंधित विद्यालय से एक अध्यापक या शारीरिक शिक्षा अनुदेशक को उक्त समिति द्वारा उत्तरदायित्व तो प्रदान किया जाएगा, जो कि खेल सामग्री की क्रियाशीलता हेतु तो पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। खेल सामग्री जो आप लाएंगे वो क्रियाशील हो, फंक्शनिंग कंडीशन में हो, उनको भी आप जिम्मेदार करेंगे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दोनों के बीच में बटेगी, हेडमास्टर की और वो जो शिक्षक रहेगा जिसको आप जिम्मेदार बनाएंगे। विद्यालय में चिन्हित खेल सामग्री का क्रय एवं भुगतान चयन समिति के सत्यापन के पश्चात संबंधित विद्यालय द्वारा किया जाएगा। अधोमानक खेल सामग्री क्रय के संबंध में संबंधित हेडमास्टर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अगर आप मानक के अनुरूप सामग्री नहीं खरीदते हैं तो दोस्तों आप पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। कोशिश करिए कि जो विद्यालय में छोटे से कमीशन खोरी के चक्कर में जो अधोमानक सामग्री आ जाती है उससे आप बच सकें, उसे पूरी की पूरी तरीके से आप बचने की कोशिश करें। विद्यालय स्तर पर उपलब्ध स्टॉक रजिस्टर में क्रय की गई समस्त खेल सामग्री का वर्षवार अंकन किया जाए। प्रत्येक छात्र की रुचि के खेलों की सूची कक्षावार आप तैयार कर लें। चयनित अध्यापक या अनुदेशक शारीरिक शिक्षा की देखरेख में छात्रों की एक खेल समिति आप बनाएं। यह समिति छात्रों में विभिन्न खेलों हेतु रुचि जागृत करने के साथ ही साथ छात्रों को खेल सामग्री उपलब्ध कराने एवं उनके रखरखाव पर भी ध्यान दोस्तों देगी। जिन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक नियुक्त हैं वे अपनी विशेषज्ञता वाले खेलों को विद्यालय में अवश्य बच्चों को खिलाएं तथा उस खेल की एक टीम भी आप तैयार करें। क्रय की गई सामग्री की उपलब्धता विद्यालय में सुनिश्चित की जाए जिससे समय समय पर निरीक्षण के समय उपलब्धता पुष्टित हो सके। विद्यालय स्तर पर एक खेल पंजिका आप बनाइए जिसमें निम्नवत अंकन आप हो। आप एक पंजिका दोस्तों बना लीजिए, उसमें क्रम संख्या हो, कक्षा आप लिख लीजिए, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, खेल हर एक कक्षा के हिसाब से कौन सी गतिविधि होनी है, कौन बच्चा खेलेगा, उसी हिसाब से सामान भी आप खरीदेंगे। समय अथवा कालांश, कौन सा टाइम टेबल अगर आप बनाते हैं तो वो समय आप कौन सा डिसाइड करते हैं, वो कौन सा पीरियड डिसाइड करते हैं, पीरियड भी रख दीजिए। कक्षा एक इस पीरियड में खेलेगा, 2 इसमें खेलेगा, 3 इसमें खेलेगा, 4 इसमें, 5 कितने बच्चे प्रतिभाग करेंगे उसकी भी संख्या लिखिए और संबंधित अध्यापक या खेल समिति के सदस्यों के आप हस्ताक्षर ले लीजिए। तो इससे ये रहेगा कि हर एक शिक्षक अपने कक्षा के हिसाब से बच्चों को ले जाएगा, खेल के सामान रखेगा, वो जिम्मेदार भी रहेगा, उससे आप सिग्नेचर कराइए, सामान जितने आवंटित होते हैं वही रखेगा भी। विद्यालय स्तर पर प्रतिदिन कक्षावार कालांश निर्धारित करते हुए खेलकूद कराया जाए एवं माह के पहले, यहाँ ध्यान रखिएगा, माह के पहले और माह के तीसरे शनिवार को विद्यालय स्तर पर टीम बांटकर प्रतियोगिता भी कराई जाए। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को ग्राम पंचायत स्तर पर एक कॉम्पिटिशन कराया जाए जिसमें उस ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले विद्यालय सारे प्रतिभाग करेंगे। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी या पंचायत द्वारा अपेक्षित सहयोग भी लिया जा सकता है। जिला व्यायाम शिक्षक, ब्लॉक व्यायाम शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों का यह दायित्व होगा कि यह वह उक्त चयनित खेल सामग्रियों का संबंधित विद्यालयों में अनुप्रयोग सुनिश्चित कराकर बच्चों को न्याय पंचायत, ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए दोस्तों तैयार करें। विकास खंड स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं का अनुसरण संबंधित ब्लॉक के व्यायाम शिक्षक द्वारा किया जाए जिसकी सूचना जिला व्यायाम शिक्षक को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। जिन विकास खंडों में व्यायाम शिक्षक नामित नहीं है उनमें संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यायाम शिक्षक योग्यताधारी शिक्षक को नामित किया जाए। तो अनुसरण होगा संबंधित ब्लॉक के व्यायाम शिक्षक द्वारा और ये डिस्ट्रिक्ट जो व्यायाम शिक्षक रहेगा वो सूचना वहाँ तक जाएगी।
वे उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशक नियुक्त हैं उनमें उक्त अनुदेशकों द्वारा विभिन्न खेलों के नियम आदि से बच्चों को अवगत कराया जाए, साथ ही बच्चों के खेलने के समय ही उनके द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण किया जाए। विद्यालय स्तर पर क्रय की गई खेलकूद सामग्री की उपलब्धता, क्रियाशीलता एवं प्रयोग को शत प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, जो मेन खंड शिक्षा अधिकारी होगा सबसे सीनियर मोस्ट, जिला समन्वयक ट्रेनिंग, संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला व्यायाम शिक्षक के माध्यम से अनुसरण या पर्यवेक्षण किया जाए। पर्यवेक्षण में यदि खेल सामग्री की अनुपलब्धता एवं खेल सामग्री का प्रयोग नहीं हो रहा है, दोनों बातें हैं, अगर खेल सामग्री है भी नहीं विद्यालय में या अगर है तो आप उसके यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो संबंधित हेडमास्टर पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। खेलने के समय बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने हेतु फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता विद्यालय में सुनिश्चित की जाए। खेल कूद सामग्री की विशिष्टता के संबंध में किसी भी प्रकार की परीक्षा के निवारण के संबंध में ब्लॉक व्यायाम शिक्षक, जिला व्यायाम शिक्षक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाए। कोई भी आपके अगर जिज्ञासा हो कि यूनिवर्सिटी हो तो आप ब्लॉक के जो व्यायाम शिक्षक हैं या जिला व्यायाम शिक्षक से आप सहयोग ले सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अंतर्गत एनेक्सर 2 में सुझावात्मक खेलों एवं गतिविधियों का विस्तृत विवरण निर्देशों के साथ संलग्न है, जिसमें स्थानीय खेलों, खेल सामग्री के रखरखाव एवं खेल के मैदान में छात्रों को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण विवरण उल्लिखित है। उक्त का अनुपालन प्रत्येक विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाए। विकास खंड स्तर एवं जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं की संक्षिप्त आख्या जनपद द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को जनपद स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न होने के पश्चात 1 सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। अब बड़े खुशी की बात है कि वित्तीय निर्देश भी मिले हैं उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु। कुल अनुमोदित धनराशि हुई है दोस्तों 1026 ये लाख के सापेक्ष, यानी 1026 ये पूरी की पूरी धनराशि आप देख सकते हैं, सॉरी 1000 नहीं है दोस्तों, ये 10226 लाख रुपया है। और ये 10226 जो अनुमोदित हुई थी पूरी की पूरी जनपदों को प्रेषित की जा रही, आवंटित या प्रेषित धनराशि के सापेक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई समग्र शिक्षा मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्राविधानों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जिला परियोजना कार्यालय एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाए। तो उपभोग प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। उपभोग प्रमाण पत्र आपके सामने है, क्रम संख्या, जनपद, ब्लॉक और स्वीकृत गतिविधि या सामग्री का नाम, स्वीकृत धनराशि, व्यय धनराशि, अवशेष धनराशि, विद्यालय को प्रेषित धनराशि 15 नवंबर 2019 तक ये प्रेषित हो जाएगी आपके खातों में। और खेल सामग्री का आप चयन एवं क्रय करेंगे 30 नवंबर 2019 तक आप खरीद भी लेंगे और खेल सामग्री को आप स्टॉक रजिस्टर में अंकित भी कर लेंगे 10 दिसंबर 2019 तक। दोस्तों आगे चलते हैं। अतः उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम को दिए गए बजट एवं समय सारणी के अनुसार जनपद में क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं नियम विरुद्ध कार्य करने पर संबंधित अधिकारी या शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तो दोस्तों ये लेटर रहा श्री विजय किरण आनंद जी का, आप राज्य परियोजना निदेशक हैं और ये 2019-20 में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए दोस्तों ये पैसा जो कि अभी आपके सामने था कि ये पैसा दोस्तों आपका 10226 लाख रुपये प्रेषित हो गया है। ये आगरा से शुरू होता है अल्फाबेटिकल आप देख सकते हैं और हमारा जनपद यहाँ पे आता है दोस्तों प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जनपद को हमारे जो पैसा मिला हुआ है आप देख सकते हैं, प्रतापगढ़ 63वें नंबर पे है और प्रतापगढ़ को यहाँ पैसा मिलता है। आप देख सकते हैं कि प्रतापगढ़ को जो पैसा मिला है दोस्तों वो मिला हुआ है 173 लाख रुपए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भाई बहनों के बीच में शेयर करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।